दशमाना अंक से गिनती करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उस 10 को हरा, हरा माना मारा या हराया, तो किसने हराया, कैसे उसको हराया और वो रावण के 10 शीश कौन से थे। तो आध्यात्मिक रहस्य ये है कि ये प्रवृत्ति मार्ग का, परंतु अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग का सिंबल है और 5 विषय विकार नरक के दिखाए गए हैं, 5 विषय विकार नारी के दिखाए जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर होते हैं 10। अब इन विषय विकारों को मिटाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथी की आवश्यकता पड़ती है। नर को नारी की आवश्यकता पड़ती है, नारी को नर की आवश्यकता पड़ती है। तो आध्यात्मिकता कहती है कि यह रावण के 10 शीश अर्थात विषय विकारों को मारना, भगाना या हराना या वो सामने ही न आवे, ऐसी शक्तियों को धारण करना है। तो वह शक्तियां हमें सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। अतः हम राजयोग सीखें, प्रभु से प्रेम करें और स्नेह से उनको याद करके उनसे हम स्वयं में शक्तियां भरें और फिर हम जिस भी विकार को जैसे भी मिटाना चाहते हैं, जब भी मिटाना चाहते हैं, हम उसका गला काट के ऐसा रख दें जो वो फिर से आकर के लगे ही नहीं। और हम रावण से राम बन जाएं, अर्थात राम के जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएं। तो आप सभी को फिर से दशहरे की भी मुबारक हो कि आप अवश्य ही विषय विकारों को मारने का पुरुषार्थ करेंगे और उसमें आप विजयी बनेंगे। सफलता मूरत भव। ओम शांति।